क्या झांसी पुलिस ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या सचमुच में पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर हुआ है? बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के आज हम राज खोलेंगे। यूपी की राजनीति इस वक्त गर्म है। झांसी पुलिस ने कथित मुठभेड़ को अंजाम जो दिया है, इस मुठभेड़ में 28 वर्ष के कॉन्ट्रैक्टर पुष्पेंद्र यादव की मौत हो गई है। ये एक कॉन्ट्रैक्टर था। पुलिस ने कहा कि पुष्पेंद्र यादव अपराधी थे। उन्होंने मुठभेड़ के एक दिन पहले एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और कार लूटकर फरार हो रहे थे। पुलिस ने छापेमारी में पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुष्पेंद्र ने गोली चलाई, पुलिस ने जवाब दिया और उनकी मौत हो गई। लेकिन मारे गए पुष्पेंद्र यादव की पत्नी, उनके परिजन और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी पुलिस ने हत्या की है, नृशंस हत्या। ऐसा क्यों कहते हैं? इनका आरोप है कि पुष्पेंद्र यादव का एक ट्रक झांसी पुलिस ने पकड़ लिया था। इस ट्रक को छोड़ने के लिए उनसे 1.5 लाख रुपए घूस की मांग की गई थी। पुष्पेंद्र ने 1 लाख रुपए दिए थे, 50,000 नहीं दे पा रहे थे। इस पर वो दारोगा उनसे नाराज हो गया और उनकी बहस हुई और खींच कर दारोगा ने पुष्पेंद्र यादव पर गोलियां चला दी। झांसी में है मोठ थाना क्षेत्र। पुलिस के अनुसार यहां बीते शनिवार यानी 5 अक्टूबर को मोठ थाना क्षेत्र के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह चौहान पर बमरौली बाईपास चौराहे के पास हमला किया गया। धर्मेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुष्पेंद्र ने उन पर तमंचे से फायरिंग की और उनकी कार लूट कर भाग गए। धर्मेंद्र सिंह चौहान 29 सितंबर को अवैध खनन के एक मामले में पुष्पेंद्र का एक ट्रक जब्त कर चुके थे और उनका कहना है कि कानपुर से 2 दिनों की छुट्टी के बाद लौटे थे। पुष्पेंद्र ने फोन किया और कहा कि जब्त किए गए ट्रक के संबंध में मिलना है। रात के करीब 9:15 बजे के आसपास धर्मेंद्र बमरौली चौराहे पर पुष्पेंद्र से मिलने पहुंचे। धर्मेंद्र ने बात करने के लिए अपनी कार का शीशा नीचे किया और पुष्पेंद्र ने उन पर गोलियां चला दी। गोली उनके ठुड्डी से होकर गुजर गई। वो गोली चलाने वालों का पीछा करने के लिए पैदल भागे, लेकिन वो तब तक फरार हो चुके थे। घटनास्थल पर उन्होंने देखा कि किसी वजह से आरोपी अपनी बाइक छोड़कर गए थे, जबकि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की कार लेकर चले गए थे। घायल धर्मेंद्र सिंह चौहान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। पुष्पेंद्र के अलावा उनके भाई रविंद्र यादव और उनके सहयोगी विपिन के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 394, 397, 398 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली सुबह 6 अक्टूबर के भोर 2:30 बजे के आसपास धर्मेंद्र की कार घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर गुरुसराय रोड पर दिखाई पड़ी। एसएसपी ओपी सिंह ने बताया कि रास्ते पर बंद किए गए थे और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ और इंस्पेक्टर ने कहा कि कार आती हुई दिखाई दी थी। ये तमाम चीजें जब सामने आई तो इस मामले में धर्मेंद्र ने कुछ और बात कही। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई की थी और पुष्पेंद्र को गोली लगी, जबकि उसके 2 सहयोगी भाग गए। पुष्पेंद्र ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये पुलिस की पूरी बात सामने आई है। मामला यहीं खत्म हो जाता अगर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने आगे कोई बात न की होती। हम आपको बता दें कि पुलिस ने इस बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुष्पेंद्र कोई अपराधी नहीं था। उन्होंने कहा कि उसका ट्रक जब्त कर लिया गया था और ये जबरदस्ती हत्या का मामला बनाया जा रहा है। मामला ज्यादा बढ़ गया है। झांसी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। मृत पुष्पेंद्र के भाई रविंद्र ने दावा किया है कि जिस समय धर्मेंद्र सिंह चौहान हमला किए उस समय रविंद्र दिल्ली में थे। रविंद्र CISF के जवान है और कहते हैं कि घटना की रात वे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 घंटे की ड्यूटी पर थे। कहते हैं कि उनके पास इसके सबूत हैं, जबकि पुलिस ने उनका नाम FIR में शामिल किया है। रविंद्र यादव का नाम FIR में कैसे आया इस बारे में तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन झांसी के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस राहुल मिठास ने कहा कि अगर रविंद्र वहां नहीं थे तो उनका नाम FIR से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच बिछा दी गई है, लेकिन अब इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। ये जो पूरा मामला है ये अब जांच का विषय बन चुका है। झांसी पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने 8 अक्टूबर को कुछ ट्वीट किए हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक ट्वीट में पुष्पेंद्र के अंतिम संस्कार और मामले का विवरण है और प्रेस नोट था। इसमें कहा गया कि परिजन आकर पुष्पेंद्र की अस्थियां कलेक्ट करें। इसके बाद झांसी पुलिस ने ट्वीट कर 2 ट्वीट के जरिए पुष्पेंद्र के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की जानकारी देने की कोशिश की। ये दूसरा ट्वीट है तो लगातार पुष्पेंद्र के बारे में वे लोग बता रहे हैं
और इस तरीके की बातें की जा रही हैं, लेकिन उनकी पत्नी को यकीन है, उनकी पत्नी ने गुहार लगाई है कि मेरा पति निर्दोष है। आप खुद सुनिए कि उनकी पति का पत्नी का क्या कहना है पति के मौत के बाद। पुष्पेंद्र की पत्नी ने जो बातें कही हैं हम आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। सब लूट लिया, सब बर्बाद कर दिया, उसको दरोगा को यही लेके आ, मेरे सामने मुझसे बात करे, तब तो मैं उसकी होशियारी समझूं कि हाँ इतना बड़ा कोई है। सामने तो आए मेरे, क्यों नहीं आ रहा, क्यों अब भग रहा वो दौड़ डर के पीछे? अगर उसका कोई कसूर नहीं आया ना सामने, क्यों नहीं आ रहा वो? कैसी देश की रक्षा करेगा वो जब खुद की रक्षा नहीं कर पाए? मेरे पति ने गोली चलाई तो उनको एक भी गोली नहीं लगी। मेरे पति उनकी कार लेके जब भागे थे तो उनको, अगर वो भाग रहे थे पीछे कहीं गोली लगती, सिर पे नहीं लगनी चाहिए थी ना? पकड़ के मारा मेरे पति को जबरदस्ती। तो देखा आपने, इनकी पत्नी सीधे सीधे नकार रही है और कह रही है कि ये एक एनकाउंटर है निर्दोष व्यक्ति का, और इस एनकाउंटर में उनके पति की जान गई है और इसके लिए जिम्मेवार वो यूपी पुलिस को ठहरा रही है। क्या इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से हो पाएगी? क्या पुष्पेंद्र की पत्नी को इंसाफ मिल पाएगा? इस पर दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।